मेरे पास कुछ प्रश्न आए हैं। एक तो कुछ लोगों ने पूछा है कि जी हम ये दवाई बनाते हैं, हम मास्क बनाते हैं, हम सैनिटाइज़र बनाते हैं, हमारी फैक्ट्री है, तो क्या हम फैक्ट्री चला सकते हैं। मैं ये साफ़ कर दूं कि एसेंशियल सर्विसेज यानी कि दवाइयाँ बनाने वाली या मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाले या मास्क बनाने वाले, सैनिटाइज़र बनाने वाले, ये जितने भी लोग हैं, ये दुकानें भी खुलेंगी, इसका ट्रांसपोर्ट भी अलाउड है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी अलाउड है, ये सब कुछ अलाउड है, ये सारी एक्टिविटीज़ अलाउड है, इसके ऊपर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। खाने की चीज़ें, सब्जियाँ, दूध, दूध का ट्रांसपोर्ट भी होगा, जो जो किसान दूध निकाल के मिल्क के प्लांट्स में ले जाते हैं, मिल्क के प्लांट्स भी चलेंगे और दूध की बिक्री भी होगी। वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनकी दुकानें भी खुलेंगी, किसान सब्जियां मंडी में भी लेके जाएंगे, वहां से भी सब्जियां बिकेंगी, तो खाने पीने की और इसकी सारी चीज़ें जारी रहेंगी, इसके ऊपर किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। एक आज हमने सुना कि कई जगह अस्पतालों में जल बोर्ड के कर्मचारियों को, बिजली के कर्मचारियों को, एसेंशियल सर्विसेज वालों को दिक्कत आई क्योंकि हमने ट्रांसपोर्ट बहुत कम कर दिया। तो मैं देखता हूँ कि अक्सर इस किस्म के कर्मचारी जो हैं वो बसों में ट्रैवल करते हैं। कल हमने इसको 25% कर दिया था बसों को, हम ये बढ़ा रहे हैं, कल से 50% बसें चलेंगी, खाली चलेंगी क्योंकि बाकी सब लोग तो कोई जाएंगे नहीं, खाली चलेंगी, लेकिन 50% बसें चलेंगी और उन पच मुझे लगता है उससे आप लोगों को सुविधा मिलेगी और किसी को भी अपने घर से इन एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम करके करने के लिए जाने के लिए किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो फिर से मेरी आप लोगों से विनती है कि इसमें लॉकडाउन में आप साथ दीजिए, आप ही के लिए कर रहे हैं। अगर हम सारे जने मिलके 10 लोगों की भी जान बचा पाए तो मुझे लगता है कि हमारा ये सफल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।